हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करेंगे मैं और कबीर। तो गुड मॉर्निंग, होप करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी मज़े में हूँ और कबीर भी मज़े में। तो आज हमारे घर पे जो गेस्ट आए हुए थे वो जा रहे हैं, तो थोड़ा उनको विदाई करते हैं और उसके बाद में फिर आपसे भी मुलाकात कर देते हैं। तो पहले उनकी विदाई कर देते हैं और फिर मिलते हैं। तो सब चीज करने के बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और आर्यन का ब्रश, छी आर्यन देख, हाय करो, ये हाय करने का तरीका है, ब्रश करते हुए। और गेस्ट लोग हमारे जो थे वो जा रहे हैं आज, और ये आर्यन भाई स्कूल जाते हुए। कबीर उठ गया, कबीर अपनी नानी के पास जा रहा है आज, नानी के घर के सब आओ आने उसका स्कूल जाते हुए। सब लोग जा रहे हैं, बैठते बैग रख लो, चलो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। गेस्ट लोग अब जा रहे हैं हमारे। ये क्यूट सी गंजी लड़की, हेलो बोलो। आर्यन ब्रश करते करते बाहर ही आ गया, अब जा रहे हैं, क्या करो। ओके बाय। कुछ भी है, जब मेहमान जाते हैं ना तो किसी के मजे आए ना आए, लेकिन बच्चों के मजे खूब आते हैं, क्योंकि देखो कितने नोट है जेब में। कितने मिल गए? 100 रुपए मिले हैं जी। तो मेहमानों को जाने का किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन बच्चों को जरूर। तुमने कबीर के पैसे भी ले लिए हैं यार? कैसे कैसे लालची आदमी हो आप, पैसे के लिए इतना कुछ कर रहे हो। कबीर तुम्हारे पैसे ले लिए, आर्यन भाई जो नानी ने जो दिए थे जाते हुए पे, कुछ कहेंगे आप हैं? कुछ कहोगे आप? तो जाओ भाई ब्रश करो, स्कूल के लिए तैयार हो, छुट्टी मारने का पूरा इरादा है इसका। ये सुसु करते हुए, बस कर दी सुसु, वो स्कूल से टलाते हुए और ये सुसु करते हुए। तो फ्रेंड, मेहमानों को छोड़ दिया है कबीर, ये रहा कबीर। कबीर देखो, इधर देखो, ये मेहमान चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं आर्यन के पास। आर्यन का पूरा इरादा आज स्कूल नहीं जाने का, लेकिन हम भी जिद्दोजहद मेहनत कर करके कुछ भी करके हम आर्यन को स्कूल भेज के छोड़ेंगे। तो आप मुझेगा नहीं है धो लिया ये तो गाइज, आप मतलब आपको लगता है ये मुंह धुलूंगा? तो आर्यन को आज मैं और कबीर आज स्कूल भेजना नहीं भेजना, आज इन्हें भी स्कूल जरूर भेजेंगे हम। वैसे कल भी गया था, लेकिन आज भी इन्हें पूरा कोशिश है कि भेज के ही छोड़ेंगे। तो सीधा अब हम मिलते हैं स्कूल की ड्रेस में, जब आर्यन स्कूल की ड्रेस में होगा। तो सॉरी फ्रेंड, मैं और कबीर हार चुके हैं और आर्यन स्कूल नहीं गया, देखिए कितनी खुशी है। तो मैं और कबीर अपनी शर्त हार चुका। कबीर यार, हम शर्त हार गए, आर्यन स्कूल नहीं गया। तो क्या मिला आपको आज स्कूल ना जाके, क्या मिला आपको? खुशी हुई? और बाबू लुढ़क गया हमारा, इधर को मतलब नीचे को हो गया बिल्कुल। फ्रेंड्स मैं अपनी शर्त हार चुके हैं हम, मैं और कबीर। कबीर हम लोग हार गए, आर्यन आज स्कूल नहीं गया। कैसे फीलिंग आ रही है? और आर्यन देखिए स्कूल की छुट्टी मार के कितने सुकून से सोने की एक्टिंग कर रहा है। सोया नहीं है ये, मुझे पता है, आपको नहीं पता होगी लेकिन मुझे पता। और कबीर, आप और मैं हार गए, तो हार का कैसा लग रहा है आपको? इस हार का कुछ बताएंगे या अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे? तो ये तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे हार कर बहुत बुरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा सका स्कूल की ड्रेस में आर्यन को। तो आर्यन की नौटंकी ऐसी जारी रहेगी और मैं अब जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होता हूँ और फिर उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करूँगा, देखता हूँ क्या होगा। वैसे नॉर्मली नाश्ता करता हूँ मैं, पराठे या फिर चाय। तो फ्रेश होता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो फ्रेश हो गया हूँ फ्रेंड्स और अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ते में क्या मिलेगा वो देखते हैं, तो आज का नाश्ता क्या होगा देखते हैं। तो चले फिर नाश्ता करने चले हैं, चलो भाई नाश्ता करने चलते हैं।
मूड नहीं है, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मैं तो करूँगा, मैं तो जरूर करूँगा नाश्ता, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। और कबीर तुम करोगे? कबीर तो चलिए फिर नाश्ता करें। तो फ्रेंड नाश्ता आ चुका है और कबीर यहाँ मस्ती में लगा हुआ, तो आज मैं दिखा दूँ नाश्ते में क्या। तो आज नाश्ते में है चिल्ला और हरे धने की चटनी। तो चिल्ला सूजी का चिल्ला है। और आर्यन तुम्हें क्या चाहिए खाने को? दे दो रे। तो ये भी अपने निपल मांग रहा है, तो इसकी निपल बन बात हो। और मैं अपना ये चिल्ला और सॉस और चटनी मिक्स करके बढ़िया से मजे लेता हूँ, वो भी सूजी का चिल्ला। तो पहले इसको फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या है, क्योंकि प्लान तो कुछ है नहीं, अचानक ही बनेगा जो भी बनना होगा। तो जो भी प्लान बनेगा वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा और साथ में देखेंगे, साथ में मजे लेंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं नाश्ता फिनिश करने के बाद क्या होता है। तो क्या हो, अभी आते हैं, बोलो अभी आते हैं। 2000 years later. तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पता रहता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अचानक से अब आर्यन को पता नहीं क्या सूझा है कि आर्यन आज आपको सैंडविच बनाना सिखाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आर्यन कैसे सिखाएगा। तो बताइए आप कैसे सिखाएंगे सैंडविच बनाना। हाय फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे इस पे सॉस, फिर ये डालेंगे टमाटो, फिर खीरा लगाएंगे सॉस पे, पहले सॉस को फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर खीरा लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से आधे ब्रेड लगाएंगे और ये भी लगाएंगे जैम। तो चलिए एक काम करते हैं, सही से बताने का तो जो भी होगा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आर्यन कैसे करके दिखाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप? पहले सॉस डालेंगे। चलिए तो पहले सॉस डाल लीजिए। तो अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं इस मामले में। तो जैसे कि देख लीजिए अब आर्यन सॉस को फैला रहे हैं, किस तरीके से फैला रहे हैं, किस स्टाइल में फैला रहे हैं, देखते हैं। कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब आर्यन भाई। तो सॉस फैला चुके हैं एक ब्रेड पर, तो अब दूसरे की तैयारी है। मेरे हिसाब से तो सही हो गया है शायद। तो अब दूसरे पर फैलाने की बारी आ गई है सॉस की। तो इसके बाद फिर क्या होगा? फिर रखा जाएगा। तो आएगी सब्जी रखने की बारी। ठीक है, दिखाइए क्या क्या रख रहे हैं आप। पहले इन्होंने ये टमाटर रखा, क्या स्टाइल में रखते हैं देखते हैं। मेहनत तो काफी है। ये सब चीज आपने काटी? आपने काटी है या मम्मी से कट पाई? देख लीजिए आप क्रिएटिव हो चुके हैं आर्यन, कितने स्टाइल से। ये कहाँ से सीखा आपने? कहाँ से सीखा? यूट्यूब से देख देख के सीखे। तो यूट्यूब वैसे यार बहुत अच्छी जगह है सिखाने के लिए। तो वो जैम जो रखा है वो भी यूज करेंगे या फिर नहीं? वैसे जैम वगैरह अपने हिसाब से लगाएंगे थोड़ा बहुत। जैम सैंडविच में अच्छा लगता है या नए स्टाइल में है ये कुछ? तो ठीक है, आप देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। तो ये आपका सैंडविच, एक मिनट रुक जाइए, ये आपका सैंडविच तैयार हो गया। तो आप इसको टेस्ट करेंगे, तब टेस्ट करके बताइए। ये ऊपर से भी सॉस लगाई जा रही है और देखते हैं ये सैंडविच कैसा बना है। तो पहले मैं देख लूँ, पहले अपने यूट्यूबर्स को फैमिली को दिखा दूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये सैंडविच है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है और बनाया भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, और अंदर टमाटर सॉस वगैरह सब चीज़ है और खीरा भी है। तो ट्राई करिए एक बार, आप ट्राई कर लीजिए। सॉस पहले बंद कर रहे हैं। तो अब आर्यन इसको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनाए, ये गिनना जाए। अच्छा है, अच्छा बनाया। तो मैं भी देखूं ट्राई करके। तो पहले मैट देख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं भी बताता हूं कैसा है।
तो सैंडविच तो मैंने खाया तो बहुत टेस्टी बना, और ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि इसने बनाया तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी है। तो आर्यन कुछ कहेंगे? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल चलिए। आइकन